चीनी रशीद की ज़ेर क़यादत अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम असेंबली हलकों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस बात का इंकशाफ पार्टी कायदीन ने अनंतनाग में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर पीडीपी कायदीन और पुलवामा के डीडीसी मेम्बरान डॉक्टर हरबख्श सिंह, अब्दुल क्यूम मीर और एडवोकेट जी एन शाहीन ने दर्जनों सियासी कारकुनों समेत AIP में शमूलियत अख्तियार की। कायदीन ने कहा कि हालिया पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान अवाम ने पहले ही AIP को मैंडेट दिया है और AIP उन तमाम शिकायत के मुतबादल के तौर पर उभर रही है जिनका अवाम 2019 से सामना कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा है कि वो PDP छोड़ चुके हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें पार्टी ने टिकट फराहम नहीं किया, बल्कि इसकी वजह यह है कि पार्टी अपनी अखलाकियात और एजेंडा खो चुकी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर उभर रही है जम्मू कश्मीर में, पैरेलल टू नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP एंड ऑल द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है अब मैदान में आ चुकी है और इंशाल्लाह हम पूरे 90 सीट्स पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो कश्मीर के 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इन पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड अवर कैंडिडेट्स और मोस्ट प्रोबली विद इन अ कपल ऑफ डेज वी विल अनाउंस द डेट्स कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस फ्रॉम साउथ कश्मीर। हमारी कुछ प्रायोरिटीज अभी तक जो हैं वो ये हैं कि हमें लैंड सिक्योरिटी चाहिए। जब आप बाकी स्टेट्स को दे सकते हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लैंड सिक्योरिटी दे सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए हमारा जो भी लैंड है ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड है या बाकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं यहाँ पे उनको नज़र रख कर हमें लैंड सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उसके लिए हम डिमांड करते हैं और बाकी जो हैं हमारे जॉब राइट्स हैं उन पर हम बात करेंगे और अपने हमारे मैनिफेस्टो में होगा, इंशाल्लाह हम जल्दी उसको भी इजरा कर रहे हैं। हम पॉलिसीज जो है जहाँ एक इन्होंने किया रिवायती पॉलिटिक्स जिसमें आप सिर्फ अपने रिलेशन अपने लोगों और अपने खानदानों के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी। मैं एक सीनियर लीडर होने के नाते क्योंकि मैंने 14 साल PDP को दिए तो मेरा जो आपने कहा मैंडेट की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमें सीनियर लीडरों को किसी को भी कंसेंसस में नहीं लिया गया, कहीं भी किसी बड़े सीनियर लीडर से बात नहीं की गई बिफोर अनाउंसमेंट। अभी हम इस पार्टी में आए हैं तो हमें उम्मीद रहेगी कि जो ताल्लुकात जो पार्टी के हैं चाहे मैनिफेस्टो है बीइंग ए माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं इन लोगों का कि इन्होंने शुरुआत की कि हम कश्मीर की माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देंगे।